उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में कथित तौर पर जातिवादी व्यवस्था की तस्वीर फिर से सामने आई है। यहां प्रशासन पर कथित तौर पर जाति आधारित कार्यवाही और लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांधकर प्रदर्शन करने वाले ये लोग किसी मध्यकालीन भारत के नहीं बल्कि 21वीं सदी के नौजवान हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें जाति आधारित भेदभाव के साथ ठाकुरों की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक से लेकर क्षेत्रीय प्रशासन तक जिम्मेदार है। जो बदायूं जिला पड़ता है हमारे बरेली मंडल में, उसकी एक विधानसभा है दातागंज, उसके लगभग लगभग हमने 150 से 200 गाँव में हमने सर्वे किया। गाँव गाँव हम गए, हमारी टीम वहाँ पर पहुँची और हमारी टीम ने पूरा सर्वे किया, गांव में स्थिति देखी। खासकर हमने ये देखा जो वाल्मीकि समाज है, उस वाल्मीकि समाज की स्थिति उन गांव में इतनी ज़्यादा बद से बदतर है, जिसको लेकर मैंने एक 12 अक्टूबर को मैंने धरना प्रदर्शन एक हमारा जो वहाँ का ब्लॉक है विकासखंड है समदेर उस पर किया, क्योंकि वहाँ उस गाँव जो समदेर विकासखंड है उसकी समस्याएँ सबसे ज़्यादा हैं। तो उसके बाद एक धरना प्रदर्शन हमने कल एक वाल्मीकि महापंचायत के रूप में एक धरना प्रदर्शन हमने किया जो दातागंज तहसील है वहाँ पर किया। एक्चुअली स्थिति ये है, जो पूरा दातागंज की विधानसभा है वहाँ पर पूरी की पूरी स्थिति ये है कि जो गांव है, गांव में जो वाल्मीकि समाज है, उन वाल्मीकि समाज के साथ जो जातीय भेदभाव इतना ज़्यादा है, वहाँ पर पूरी विधानसभा में ठाकुरवाद हावी है। क्योंकि वहाँ पर जो विधायक है इस समय मौजूद है वो बीजेपी से ठाकुर राजीव कुमार सिंह है, और बब्बू भैया जिन्हें कहते हैं वो दबंग प्रकृति के व्यक्ति हैं। इसीलिए जो पूरा जो क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में ठाकुर बात बहुत ज़्यादा हावी है। हमने देखा, हमारी टीम ने देखा, गांव-गांव गई हमारी टीम ने देखा कि अभी भी जो वाल्मीकि समाज है उसकी स्थिति इतनी बद से बदतर है, उसके साथ इतना जातीय भेदभाव है कि अगर वो किसी नाई की दुकान पर बाल कटवाने चला जाता है, किसी सैलून की दुकान पर बाल कटवाने चला जाता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे जब अगर उसे पता चल गया उस सैलून वाले को कि आपकी जाति वाल्मीकि है, या उसने उसे किसी ने बता दिया, उसने शक्ल से पहचान लिया आपको, तुरंत वहाँ से वो भगा देगा। वो सीधे सीधे जाति सूचक अब शब्दों का इस्तेमाल करेगा, सीधे कहेगा हम भंगियों के बाल नहीं काटते हैं। मैं आपको कई सारे ऐसे प्रमाण, आपको वीडियो, ऐसे कई प्रार्थना पत्र मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ जो मैंने वहाँ के शासन प्रशासन को बताया, जिले का जो शासन प्रशासन है उसको भी उपलब्ध करा के रखेंगे। और अगर आप गाँव में चले जाएंगे, जो अगर कोई वाल्मीकि है, अगर किसी और जो बस्ती है, खासकर जो ठाकुरों की जो सरवड़ों की बस्तियाँ हैं, उन सरवड़ों की बस्तियों में अगर चला जाएगा वाल्मीकि समाज का कोई भी व्यक्ति या बच्चा कोई भी चला जाए, पानी पीने के लिए जो हैंडपम्प लगे होते हैं, सरकारी हैंडपम्प जो लगे होते हैं, अगर उनसे पानी पीने के लिए चला जाए, तो वहाँ पर आप देखेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि कोई वाल्मीकि वहाँ पर पानी पी रहा है तो उसे वहीं भगा दिया जाएगा, उसे मारा पीटा भी जाता है। और जब हमारे लोग ऐसी शिकायतें लेकर थाने पर, चौकियों पर, भाई जो सीओ साहब हैं उनके पास जब जाते हैं हमारे लोग, तो हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उल्टा हमारे लोगों को शांति भंगों में चालान किया जाता है, उन पर मुकदमा कर दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। वही क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इन वाल्मीकि समाज के लोगों की मदद करता है, इनके खेत में ट्रैक्टर से खेत जोतता है, या इन्हें बाजार से किसी भी तरीके की कोई सहायता करता है, तो उसे भी समाज से निकाल दिया जाएगा 2 लाख का जुर्माना, और उस मददकर्ता को मुंह काला करके गधे पे बैठा कर घुमाया जाएगा। इसकी शिकायत जब क्षेत्रीय प्रशासन और पुलिस से की तो कार्यवाही के नाम पर इन जातियों को कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अंत में खुद की आवाज़ उठाने के लिए ये वाल्मीकि समाज के लोग गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद का है। गौरतलब की बात यह है कि 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन जातियों के पैर धोते नजर आए थे, तब यह माना जा रहा था कि शायद कुछ बेहतर हो, लेकिन अब साफ है कि वह दृश्य केवल वोट पाने के लिए था।